नमस्कार, मैं गौरी रानी और आप देख रहे हैं DSD न्यूज़। आज आपको बता दें, आज रांची में सपना चौधरी का प्रोग्राम होने वाला है 6:30 बजे, और उन्हीं के इंतज़ार में मैं भी इस रासो होटल में यहाँ पे बैठी हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं बैठी तो यहाँ पे मैं देखी एक फ़ैन, कह लेते हैं फ़ैन है, जो कि दोपहर से आए हुए हैं आप जी। लगभग 11 बजे से हम एयरपोर्ट में थे, लेकिन कुछ कारण से लेट हो गया तो फिर हम होटल आ गए। तो ये लगभग समझ लीजिए 11 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, और ये बहुत बड़े फ़ैन हैं। जब इन्हें एक सप्ताह पहले पता चला कि सपना चौधरी रांची आ रही है, तो वो एक सप्ताह में 10 से भी ज़्यादा स्केचेस बना चुके हैं। आप दिखाइए हमारे दर्शक को, और दिखाइए और क्या क्या लेके आए हैं आप। मैं कैमरा घुमाती हूँ उधर, आप देख सकते हैं ये इतने सारे स्केचेस जो है ये सपना चौधरी के इन्होंने बनाया है, सुमित बनर्जी। कलरफुल स्केचेस भी है यहाँ पे। ये इस इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि मैडम से आएंगे, मिलेंगे और ये अपना स्केच जो है वो उनको गिफ्ट देंगे। चलिए सुमित जी से बात करते हैं। सुमित जी, बताएं कब से आप ये स्केचेस का काम कर रहे हैं? जी, स्केचेस का काम हम दो तीन साल पहले से कर रहे हैं, और मेरा ये ड्रीम है कि मेरा अपना पहचान बन पाए, जो कि आज तक नहीं बन पा रहा है। और मैं इसलिए बड़े बड़े कलाकारों सभी का मैं स्केच इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मेरा पहचान बने और मेरे माता पिता का नाम रोशन हो। आर्टिस्ट अगर बात करें सेलिब्रिटी के, कितने सेलिब्रिटी के आपने पिक्चर्स बनाई है, जो कि लोग जिनके लिए बनाए हैं उनको अब तक दिखा पाए? जी, हम उनका ID में पोस्ट करते हैं पर उनको दिखा नहीं पाए आज तक। ये फर्स्ट टाइम होगा जो मैं सपना मैम को दे पाऊंगा ये स्केच उनका। आप ट्विटर फेसबुक में पोस्ट करते हैं? जी बना के। जी, डायरेक्ट उनके ID में ही पोस्ट करते हैं। कुछ उधर से रिप्लाई आता जी? आपको कभी नहीं? कुछ रिप्लाई जी कभी नहीं आया, सिर्फ एक मैम का है, वो मैं सोनाइका गुआडा, साउथ इंडियन एक्ट्रेस है, वो अपने ID से मेरा बनाया हुआ स्केच, वो पहला मैम है जो मुझे सपोर्ट की और अपने ID से रिट्वीट की आपको। हाँ, पोस्ट भी की। अच्छा, और एक पूनम दुबे मैम है, भोजपुरी एक्टर, उनसे भी बात होता है, वो रिप्लाई करते हैं। ये आपका प्रोफेशन है या बस ऐसे ही कर रहे हैं? नहीं, मेरे में अच्छा ही था, लोग पसंद किए इसलिए बोले कि तुम अच्छा बनाता है तो हम स्टार्ट कर दिए। वैसे मेरा ड्रीम था क्रिकेटर बनने का, पर वो ड्रीम टूट गया। तो आप स्केचर बन गए क्रिकेटर से? जी, भगवान जो बोले। काफ़ी अच्छा आपने स्केच किया है, आई होप सपना जी से आप मिल सकें, उन्हें अपना ये जो स्केचेस आप बनाए हैं वो दे सकें। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप देखते रहें DSD न्यूज़। गौरी रानी रांची से।